आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 22 जनवरी 2017 है। ये मेरा सवाल है आदिल अहमद से, सैयद आदिल अहमद शिमा से, सोहेल भाई से, शुक्र भाई से और सबसे। इतने मेरे वीडियोस बताने के बावजूद, दावतुल अर्ज की सच्ची गवाही के बावजूद और मसीह दज्जाल के पूरे सबूतों के बावजूद और ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के सबूत देने के बावजूद भी, क्या आप ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादियानी साहब ही मसीह मऊद महदी मऊद हैं और दावतुल मिनलर्स की जो पेशगोई थी वो चूहे के जरासीम हैं और मसीह दज्जाल जो है ईसाई मिशनरीज़ हैं, उलमाए दीन दज्जाल हैं, ये जो एरोप्लेन सब उड़ रहे हैं ये सब मसीह दज्जाल के गधे हैं, क्या ऐसा कहना चाहेंगे आप? इधर आओ, बैठ जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बोलना चाहेंगे? आपके पास कोई सबूत है इसका? आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? है भाई, मगर चलो अगर हम आपको मसीहा महदी अलैहिस्सलाम मान भी लेते हैं तो आपका हुलिया नबी की तरह नहीं भाई, ऐसे होगा। हदीस में आया कि हुलिया नबी की तरह नहीं होगा, शबाद नबी की तरह नहीं होगी, मॉडर्न होगी। इसका जिक्र हिंदुइज्म की किताब में भी मौजूद है। कल्कि शेप, क्लीन शेप अवतार, शिवा की फोटो, क्लीन शेप। ये दुनिया समझ रही है कि दाढ़ी रहना ज़रूरी है, मगर हकीकत कुरान हदीस की गवाही देते हैं कि शबाहत नबी की तरह नहीं होगी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम की। आप लोग दाढ़ी रखिए, रख सकिए, सब लोग रखो, कोई मसला नहीं है। जैसे एक स्कूल होता है, क्लास होती है, उसमें एक चेयर मखसूस होती है और बाकी आम चेयर होती है स्टूडेंट्स बैठने की, एक चेयर। तो एक टीचर की चेयर पर आप मत बैठो, वो मैं बैठा हूँ। आप क्या बयान करना चाहेंगे? क्या आप साथ होना चाहेंगे? अगर मेरे भाई, अल्लाह ताला ने मुझे इतने फुफेरे भाई अता किए हैं माशाल्लाह से, इतने मुमेरे भाई अता किए हैं कि अल्लाह के फजलो करम से सब हर भाई मेरा अगर मुझे सिर्फ 1,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे अल्लाह के रास्ते में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप बोलेंगे असल में तुम्हें पैसा चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए पैसा, पैसा रख लो, मसीह दज्जाल को दो जाकर, तो आपको अल्लाह जन्नत देगा। मुझे आपका साथ चाहिए, कम से कम ईमानदारी चाहिए आपकी। नहीं चाहिए पैसा आपका मुझे, क्योंकि पैसे के लिए तो अल्लाह ताला काफ़ी है मेरे को, अल्लाह इंतज़ाम करता है उसके, कहीं ना कहीं से मेरा मदद कर देगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, आप चाहिए, आपका सच्चा ईमान चाहिए मुझे, अपनी आल औलाद को, अपने अहलो याल को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नुम से बचाओ, ख़ुद भी बचो। पैसे का ढोस मुझे देते हो और मसीह दज्जाल को पैसे से मदद करके ताकतवर बनाते हो अल्लाह के ख़िलाफ़, उसके मसीह के ख़िलाफ़। इसका जवाब आपको अल्लाह को देना है। अल्लाह ताला से क्या यही अहद लिया था आपने? ये अहद किया था कि हम मसीह दज्जाल की मदद करेंगे, जानो माल लगाएंगे और ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को बदनाम करेंगे, तकलीफ़ों में छोड़ देंगे और उसको मदद नहीं करेंगे और उसके साथ नहीं होंगे, और जब वो माल पूछेगा तो हम कहेंगे उसे कि अल्लाह के मसीह तू तो माल का लालची है, और उसको कहेंगे मसीह दज्जाल को कि तू तो माल का लालची नहीं, तेरी तो ज़रूरत है, अल्लाह के रास्ते में काम कर रहा है तू। ये अहद लिया था क्या आपने अल्लाह ताला से? मैं सवाल करता हूँ आपसे, जवाब दीजिए। वाह, ये मेरी तरफ से अपनी एक सोच है, आप लोगों ने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपकी सोच में ये आती है बात। सारे बहनों को, सारे भाइयों को, सारे रिश्तेदारों को एक होना है, जहन्नुम से बचना है। मेरे बच्चे आपको सलाम करके दावत देना चाहते हैं मेरे साथ होने के लिए। मेरा बड़ा बेटा लैतुल्ला ये कहना चाहता है कि जमात अहमदिया को बचाओ। चाचा आदिल चाचा, सोहेल चाचा, शुक्र चाचा, बोलो बेटा आदिल उनके नाम है, आके बोलो जमात अहमदिया को जहन्नुम से बचाओ, बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदिल चाचा, सोहेल चाचा, आप लोग पूरे बाबा के साथ आ जाइए, बाबा
जहन्नुम से बचाइए। बेटे आप भी आके बोलो, मेरे बच्चों का सबका सलाम मेरी तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज्यादा वक्त लेंगे। बोलो बेटा। सोहेल चाचा, शुक्र चाचा, और सब चाचा, बाबा से, बाबा के साथ जाओ और जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओ, और अहमदिया जमात को जहन्नुम से बचाओ। जमात को अहमदिया जमात को जहन्नुम से बचाओ। आओ मेरे बच्चे, तुम भी आओ, बोलो बोलो। आदिल आदिल चाचा, सोहेल चाचा, सोहेल चाचा, शुकुर चाचा, शुकुर चाचा, रफीक चाचा, रफीक चाचा, रफीक चाचा, रफीक चाचा, मोही चाचा, जकी चाचा, मोही चाचा, जकी चाचा, बहुत से चाचा आया है बेटे, सब अल्लाह के वास्ते। बोलो सब अल्लाह के वास्ते। असली ईसा मसीह, असली मसीह, हमारे बाबा, हमारे बाबा के साथ हो जाइए, साथ हो जाइए, और अहमदिया जमात को, अहमदिया जमात को जहन्नुम से बचाइए, जहन्नुम से बचाइए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। आओ बेटे, आप भी आओ, आप भी आओ, बोलो बेटे, आओ बेटे, जल्दी आओ, आओ बेटे, बोलो। आदिल चाचा, सोहेल चाचा, सोहेल चाचा, हाँ, शुकुर चाचा, शुकुर चाचा, रफीक चाचा, रफीक चाचा, मोही चाचा, जकी चाचा, मोही चाचा, जकील चाचा, जकील चाचा, शकील चाचा, शकील चाचा, सोहेल चाचा, अखिल चाचा, अखिल चाचा, अकमल चाचा, अकमल चाचा, और फरत फूफू के बच्चे भी है बेटा, नसर चाचा, नसर चाचा, और भी बहुत सारे चाचा हैं बेटे। सबका सब चाचाओं से अपील करती है मेरी बेटी। क्या बोलो बेटा, बोलो अब आप। सब लोग बाबा के साथ होके, बाबा के साथ होके, जमात अहमदिया को जहन्नुम से बचाओ, जमात अहमदिया को, अहमदिया को जहन्नुम से बचाओ, जहन्नुम से बचाओ। और मेरे बाबा सच्चे हैं, बोलो मेरे बाबा सच्चे हैं। आप लोग देखे ना बेटे, दावतुल्लाह की गवाही। आओ बेटे पास, तुम भी आगे बोलो बेटे, जल्दी आओ बेटे। बोलो सब चाचाया, सब चाचाया, हमारे बाबा के साथ होके, हमारे बाबा के साथ होके, जमात अहमदिया को दोजख की आग से बचा। अपील कर रहे हैं मेरे बच्चे आप सब से। जाओ बेटे, जजाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर अता करे। आपने बोले अम्मा आओ मेरी जान, अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरी बेटी, आ जाओ मेरे बच्चे। और भी मेरे बच्चे हैं, दूसरे छोटी जगह, दूसरी जगह रखे हैं। बोलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोहेल चाचा, सोहेल चाचा, आदिल चाचा, आदिल चाचा, मोही चाचा, जकी चाचा, मोही चाचा, जकी चाचा, नसर चाचा, नसर चाचा, राहिल चाचा, राहिल चाचा, और अखिल चाचा, अखिल चाचा, अकमल चाचा, अकमल चाचा, शकील चाचा, शकील, और पूरे चाचा, और पूरे चाचा, सब मिलकर, सब मिलकर हमारे बाबा के साथ हो जाओ, हमारे बाबा के साथ हो जाओ, जो असली ईसा मसीह है, जो असली ईसा मसीह है, और जमात अहमदिया को बचाओ, जमात अहमदिया को बचाओ जहन्नुम से, जहन्नुम से। हम मासूमों की, हम मासूमों की अपील को, अपील को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते कबूल करिए, कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। कबूल करो भाई अपील मेरे बच्चों की, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है मेरे बच्चों की। और भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा कभी भी जिंदगी में मैं सिगरेट पिया माँ, शराब पिया नहीं। कभी मेरी नमाज खाली हो गई बेटा नहीं। कभी मैं खजा हुई नमाज नहीं। बेटे मैं कभी कोई गाली दिया नहीं। ये मेरे मासूम बच्चों की गवाहियां हैं। वे लोग तो आप तो बोलेंगे कि बच्चे तो आप ही की फेवर के नहीं है, मासूम बच्चे हक बोल रहे हैं। सारे खाना से भी पूछ लो जाके, जो लोग मुझे जानते हैं पिछले 18 साल से। अल्लाह के वास्ते हमारे मददगार हो जाओ प्लीज, अल्लाह के वास्ते। ये अपील सारे जहां के, सारे जहां देखे
कि जमात अहमदिया जो मसीह दज्जाल के फितने में फंसी है उनको निकालने के लिए मेरे बच्चा बच्चा मासूम बच्चा भी गवाही दिया है, मासूम बच्चा भी दुआ किया है अल्लाह से, और मासूम बच्चा भी मेरा बच्चा बच्चा भी जो है ना अपील किया है मेरे रिश्तेदारों को, अल्लाह के वास्ते मेरे हमारे साथ हो जाओ मेरे भाइयों बहनों।